बिजनौर में दो दिन पहले कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गंगा नहर में पलट गई थी, जिसमें सवार 38 कांवड़िए गंगा नहर में जा गिरे थे, जिनमें से 8 कांवड़िए घायल हुए थे और 1 कांवड़िए की मौके पर ही मौत हुई थी, जबकि 3 नहर में डूब गए थे जिनको पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन पुलिस तीनों कांवड़ियों को ढूंढने में नाकाम रही, जिससे नाराज कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रशासन से तीनों कांवड़ियों को ढूंढने की मांग की। प्रशासन ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। कांवड़ियों ने पुलिस की मदद से लापता कांवड़िए के शव बरामद कर लिए हैं। यहाँ पर हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो नदी में गिर गई थी और प्रशासन हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। तत्काल मतलब कल हमारे कुछ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए थे और उनने मतलब जो हेल्प उन्हें जिस हिसाब से देनी चाहिए थी उन हिसाब से हमें हेल्प नहीं दी गई है। और सुबह से हमारे लिए प्रशासनिक अधिकारी हमें उन्हें बुलाने के लिए रोड जाम भी किया था, लेकिन रोड जाम करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आकर हमारा जाम खुलवा के चले गए। लेकिन हमारे लिए गोताखोर या फिर जो भी प्रशासनिक सुविधा देनी चाहिए वो हमारे पास कोई प्राप्त नहीं हो पाई है। हमारे जो बंदे हैं जो हम हमारे साथ में तहनने वाले, हम खुद ही उसके लिए मतलब ढूंढ रहे हैं। जो प्रशासन के लिए हमारे लिए जो सुविधा देनी चाहिए थे गोताखोर वाली या फिर अपनी टीम को बुला के यहाँ पर हमारे लिए कोई सुविधा अभी फिलहाल तो प्रोवाइड नहीं किया की गई है। लेकिन मतलब ये तो प्रशासनिक ही जिम्मेदारी ठहराऊंगा मैं कि मेरे जो बंदे नहीं मिल रहे हैं, जो उनकी जो एक्सपायर हो गए, वो प्रशासन की ही डील की वजह से मेरे बंदे एक्सपायर हुए हैं। और अभी भी टाइम 12 के समथिंग होने जा रहा है, अभी भी कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। सुबह सुबह यहाँ पर जब हम लोगों ने जाम लगाया था तो सीओ आके हमारा जाम खुलवा के जाता है और बोलते हैं कि हम अपनी टीम को भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई टीम नहीं आई है।